जय गुरु। चलिए 5 अक्टूबर 2014 को 40वां डॉक्टर्स सत्संग सम्मेलन देवघर में हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए कुछ बातें के ऊपर आलोचना करेंगे। जो मानकर घरे प्राय छोटमोट रोग वैराग लगि रही तार प्रतिरोधरे पूजने बाबाईदा मतरे घर परिवेश और परिस्थिति को सदाचारशील रखिया प्रयोजन। घर भीतर और बाहर परिष्कार परिच्छन रखिया बांछनीय। अप्रयोजनीय पुराणा पोशाक पत्र बहीपत्र इत्यादि जहाँ अनेक दूर जंजाड़मुक्त ता अन्य को दे दे घर भीतर परिष्कार परिच्छन रखिले छोटमोट रोग व्याधि अनेक भाव रक्षा पाई हुए। 40वां चिकित्सक सत्संग सम्मेलन रे सत्संग हॉस्पिटल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृति सुंदर गुरु चिकित्सा विज्ञानी मान अभिमत समृद्ध पूजनीय बाबाईदा परामर्श अनुदित किसी रोग प्रतिषेधि परामर्श उपस्थापन करती से ही सूत्रधरी डॉक्टर गुरु कहती प्रति प्रत्येक ही सुस्थ रही प्रतिदिन भल भाव मुखमंडल धोवा प्रयोजन जार घन घन मुहरे घा बा जिहारे घा देखा जाए से मानकर दिन में अंत दुईथर ब्रश सहयोग दांत परिष्कार जिहा परिष्कार रखा दरकार। यही अभ्यास हार्ट पक्ष भी भल जो मानक टनसिल प्रभाव रही शोवा आगु थंडा जल दे मुखमंडल धोवा और नाक परिष्कार करने द्वारा टनसिल प्रतिरोध अनेक भाव सहज होता है। विख्यात शिशु हृदरोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत नायक कहले जन्मगत भाव शिशु मानक हार्टर समस्या नहीं आलोकपात कर कहती आजिकल अनेक शिशु जन्मर ही हार्ट्रे फुटा नहीं भूमिष्ठ होगा देखा जाऊरण हार्टर समस्या जदिव नूतन नुहे किंतु इदानी यह समस्या तीव्रता व संख्या द्रुत वृद्धि पाँच मोर स्पष्ट अभिमत जन्मगत यह हार्ट रोग प्रतिरोध में श्री श्री ठाकुर विवाह विधि अनुसरण गोटे सुनिर्दिष्ट भूमिका रही। डॉक्टर नायक कहती पेशागत अभिज्ञतार यही धारणा होगी सगोत्र बह कर दंपति जत शिशु सतान मान मध्य प्राय 4% जन्मगत भाव हार्ट फुटा नहीं जन्मती मातृ गर्भर 5 सप्ताह अवस्था कालन ही हार्टर यह समस्या धरा पड़े। ता छड़ा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति में मुग्ध हो ख्याल खुशी रे जीवन चलाना अधिक बयस माँ मान बह परिणति जातक शिशु मैंने नाना धरण शारीरिक मानसिक त्रुटि नहीं जन्म नहीं डॉक्टर नायक कहते। जय गुरु।